यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गढ़वा पुलिस ने रविवार को मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। गढ़वा थाना क्षेत्र के पठरिया गांव के नगदरवा टोले में एक वर्ष से संचालित मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फैक्ट्री का उद्भेदन किया। फैक्ट्री से एक देसी राइफल, 3 देसी कट्टा, 9mm पिस्टल के अलावा हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए। इस मामले में फैक्ट्री के संचालक मुन्नी विश्वकर्मा व उसके दोनों पुत्र अंजन विश्वकर्मा व पवन विश्वकर्मा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता कर SDPO ओम प्रकाश तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि हथियार का अवैध कारोबार यहां चल रहा है। गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी ने छापेमारी का निर्देश दिया था। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मुन्नी विश्वकर्मा अपने मकान में चला रहा था, जबकि पहाड़ी के निकट बने अपने एक अन्य मकान में हथियारों की बिक्री करता था। फिलहाल पुलिस और मामले के तफ्तीश में जुट गई है। कुछ लोगों के द्वारा एक प्राइवेट घर में हथियारों की एक फैक्ट्री लगाई गई है, जिसमें कि बहुत सारे हथियार बनाए गए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया और फिर वहाँ जाकर रेड किया गया। तो उस रेड में काफ़ी कुछ मात्रा में बहुत हथियार वगैरह, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, बहुत सारा हथियार मिला, हथियार बनाने का बहुत सारा सामान मिला, यहाँ तक कि बड़ा हथियार बनाने का भी सामान मिला है, बड़े बड़े औजार मिले हैं, उसमें जनरेटर, सेट, लेथ मशीन जैसी चीज़ें भी मौजूद हैं। इससे पता चल रहा है कि एक बड़े पैमाने पर यह काम वहाँ किया जा रहा है। सर, कितना हथियार बरामद हुआ है? सर, 5 कारगर हथियार बरामद हुए हैं और अर्धनिर्मित हथियार बहुत सारे हैं, जिनको कि मिलाने से काफ़ी संख्या में हथियार बनाया जा सकता है। गोली मिला है? हाँ, गोली मिली है। गोली में ज़्यादातर तो ये है एम्प्टी केस है, जिसका उपयोग संभवतः बोर निर्धारित करने में और उसका साइज लेकर बैरल बनाने में किया जा रहा था। और इसमें सब बहुत उल्लेखनीय बात ये है कि रेलवे का स्क्रैप जो होता है, रेलवे का जो लोहा होता है, उसका इनके यहाँ काफ़ी मात्रा में मिला। इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे का जो पुराना लोहा है, उसका इस्तेमाल ये लोग हथियार बनाने के लिए करते हैं। ये एक अच्छी उपलब्धि है पुलिस के लिए। हथियार सप्लाई किया करने की कोई, देखिए नक्सलियों से अभी तक इस लिंक का पता नहीं चला है। ये लोकल ही स्तर पर ये चीज़ हो रही थी, लोकल में इन लोगों की सप्लाई थी, उस पर भी हम लोग आगे जांच पड़ताल कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे भी कुछ मामले और सामने आए। और रही बात थाने के नाक के नीचे, तो ऐसा नहीं है, ये पहाड़ के पास किया जा रहा था इसको। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और आप देख रहे हैं कि पुलिस को एक अच्छी उपलब्धि मिली। आपराधिक गिरोह को भी कुछ सप्लाई होता था? इस बारे में भी हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं, अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा। अभी अनुसंधान थोड़ा लंबा चलेगा इसका। ठीक है।